अमित जी, आपका गोमवीन का 7 साल पूरी हो गया है, आपका संकल्प कब पूरा होगा, कब होगा पूरा, आप बताना चाहिए। आप असम में आया है ना, आप बताना चाहिए कि आपका जो दो संकल्प था, आपका जो दो वादा था, आपका जो दो प्रॉमिस था कि असम को फ्लड फ्री करेंगे और असम का लोगों को कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड देने के लिए असम एकॉर्ड का क्लॉज 6 का कमिटी का रिपोर्ट को आप 100% फुलफिल करेंगे। अमित शाह जी को, होम मिनिस्टर जी को मैं चैलेंज करता हूँ कि आपने जो वादा किया था पार्लियामेंट में, वादा किया था 2019 का 11 दिसंबर ने, जो वादा किया था कि असम सुप्टी का अंदर में जो 6 क्लॉज है, इस 6 क्लॉज का जो कमिटी है, इस कमिटी का प्रतिवेदन आपने पूरा करेंगे। आपका गवर्नमेंट का काल 7 साल पूरा होंगे असम में, कब आपका ये प्रतिश्रुति, आपका ये प्रॉमिस, आपका ये जो संकल्प, ये संकल्प कब पूरा होगा, बताइए अमित जी। अमित जी, होम मिनिस्टर जी, आपने वादा किया था, आपने प्रॉमिस किया था, आपने संकल्प किया था 8 अक्टूबर 2022 में असम में खानापारा फील्ड में आपने वादा किया था कि असम को फ्लड फ्री स्टेट करेंगे। अमित जी, आप लोगों ने वादा किया था कि मिशन ब्रह्मपुत्र होगा, मिशन ब्रह्मपुत्र का अंदर में ड्रेजिंग होगा, ब्रह्मपुत्र का ड्रेजिंग होगा और ब्रह्मपुत्र को, असम को आप लोगों ने फ्लड फ्री करेंगे। आप लोगों ने वादा किया था कि ब्रह्मपुत्र और इसका ट्रिब्यूटरी के लिए आप लोगों ने रिजर्वर बनाएंगे, बनाएगा और रिजर्वर बना के एडिशनल जो वाटर है इसको आप लोग मिटाएंगे और ऐसे ड्रेजिंग करके और ऐसे रिजर्वर बना के और ऐसे मिशन ब्रह्मपुत्र बना के आपने वादा किया था कि असम को फ्लड फ्री करेंगे। अमित जी, आपका गोमवीन का 7 साल पूरी हो गया है, आपका संकल्प कब पूरा होगा, कब होगा पूरा, आप बताना चाहिए। आप असम में आया है ना, आप बताना चाहिए कि आपका जो दो संकल्प था, आपका जो दो वादा था, आपका जो दो प्रॉमिस था कि असम को फ्लड फ्री करेंगे और असम का लोगों को कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड देने के लिए असम एकॉर्ड का क्लॉज 6 का कमिटी का रिपोर्ट को आप 100% फुलफिल करेंगे।